हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। सुबह की भागदौड़ में आप ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और ये बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है। और आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप गेहूं का आटा, 1/3 कप दही, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, 1/3 छोटी चम्मच धना पाउडर, 2 बड़े चम्मच तेल, 1/3 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार। और वेजिटेबल्स में मैंने लिए है गाजर, शिमला मिर्च और 1 प्याज, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जियों को ऐसे ग्रेट करके लेंगे। आप चाहे तो सब्जियों को बारीक कट करके भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इसको ग्रेट करके लूंगी। तो ऐसे गाजर, प्याज और शिमला मिर्च को ऐसे ग्रेट करके लेंगे। साथ में मैं हरी मिर्च और अदरक को भी ग्रेट करके लूंगी। तो ये देखिए सब्जियों को मैंने अच्छे से ग्रेट करके लिया है। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। तो ये तैयार है। तो यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूं का आटा। ये आटा रोटी बनाने के लिए जो होता है वही आटा है। ये आटा बारीक या मोटा कोई भी चलेगा, जिसे आप रोटी बनाते हो उसमें डाल देंगे कटी हुई सब्जियाँ। इसमें आप बीन्स और पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। और डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और फिर ये दही, ये लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और ये धना पाउडर। फिर डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। इसमें हमें यूनो या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालना है। तो बस बैटर में हम जितना गेहूं का आटा लिया है उतना ही पानी डाल के इसका बहुत ही अच्छा एक घोल बनाएंगे। लेकिन एकदम से पानी ना डालें, नहीं तो इसमें गुठलियां बन सकती है। तो जितना गेहूं का आटा लिया है धीरे धीरे करके हम उतना ही पानी डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा ये बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट बना है। तो ये हमारा बैटर तैयार है चीला बनाने के लिए। तो गैस पे मैंने एक पैन रखी है, पैन हमारी गर्म हो गई है। तो अब हम फटाफट चीला बनाएंगे। तो पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल को ऐसे स्प्रेड करेंगे और फिर ऐसे सेंटर में बैटर डाल देंगे। इसको ऐसे गोल शेप देते हुए स्प्रेड करेंगे। तो बैटर डालने के टाइम मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखी है। तो ये देखिए बैटर को मैंने स्प्रेड किया है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर सकते हैं। तो बस मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक इसको पकने देते हैं। तो ये देखिए, तो अब हम इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद साइड से और ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे और फिर से 2 मिनट तक इसको पकने देते हैं। इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना पकाएं, नहीं तो ये अंदर से हल्का सा कच्चा रहता है और ऊपर से ही कलर चेंज हो जाता है। तो इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे और ये नॉन स्टिक पैन में ही अच्छे हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि ये नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं। तो ये देखिए हमारा ये गेहूं के आटे का बहुत सारे वेजिटेबल डाला हुआ चीला तैयार है। इसका बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है और ये दिखने में भी कितना अच्छा है, ये देखिए। तो ये चीला तैयार है। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी बना लेती हूँ। तो गैस की फ्लेम स्लो करके ऐसे तेल डाल देंगे, तेल को स्प्रेड करेंगे और सेंटर में डाल देंगे ये बैटर। इसको अच्छा एक गोल शेप दे देंगे और इसको अच्छा शेप आने के बाद हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको 2 मिनट तक पकने देते हैं। ये देखिए 2 मिनट बाद इसको पलट देंगे। पलटने के टाइम थोड़ा ध्यान से, नहीं तो ये टूट सकता है। पलटने के बाद ऐसे तेल डाल देंगे और फिर इसे 1-2 मिनट के लिए पकने देते हैं। ये देखिए दोनों साइड से सेक कर हमारा ये चीला तैयार है। तो अब मैं इसी को भी निकाल लेती हूँ। तो ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाला हेल्दी गेहूं के आटे से बना हुआ चीला तैयार है। आप इसको सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ खा सकते हो। ये दोनों के साथ बहुत टेस्टी लगता है और ये गरम गरम ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस हेल्दी चीला की रेसिपी घर पर जरूर ट्राई कीजिए। और आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब मी।